सरकार ने 5 अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं खत्म कर दी हैं, जो सरकारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी। इस पे एक शेर याद आ रहा है मेरे को कि बड़े बेआबरू होकर निकले हैं तेरे कूचे से सनम। गालिब का शेर है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। ये तो इन लोगों के साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए। भारत सरकार क्या इंतजार कर रही थी कि हमारे 40 जवान शहीद हो जाएं और फिर इन पे ये कार्रवाई हो? और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इन लोगों को दे रखी थी, इन अलगाववादी नेताओं को दे रखी थी, जो कि खत्म कर देनी चाहिए थी बहुत पहले। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं इन लोगों को दे रखी थी और ऐसे इस देश के और कौन कौन से देशद्रोही हैं जो हमारे ही देश का नमक खाते हैं और उसके बाद हमारे ही देश की बुराई करते हैं। आप बने रहिएगा। गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि इन 5 नेताओं का जम्मू कश्मीर के जो हुर्रियत और अलगाववादी नेता हैं, उनके ऊपर जितनी भी सुख सुविधाएं, सरकारी सुख सुविधाएं जो ये इतने सालों से ले रहे थे, ये उनकी खत्म कर दी जाएं। उन नेताओं के नाम हैं मिर्जा वाइस उमर फारूक, अब्दुल बनी भट्ट, बिलाल लोन, फजल हक कुरैशी, शबीर शाह। ये सारी के सारे 5 नेताओं की सरकारी सुख सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। अब आप बोलेंगे और मुझसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या सुख सुविधाएं इन लोगों को दी जा रही थी। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये हमारे, आप और हम लोग इस देश के टैक्स पेयर हैं। हम इस देश में भारत सरकार को टैक्स देते हैं और हमारे ही टैक्स देने से इन नेताओं को 20 से 25 सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं, जो इनकी सुरक्षा करते हैं, जो इनको देखते हैं और इनकी रखवाली करते हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ नेताओं को डीसीपी रैंक के सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। मतलब कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि ये अलगाववादी नेताओं को इतनी सुरक्षाएं दे रखी हैं। पिछले साल फरवरी में जब विधानसभा का सत्र हुआ था, तो उस सत्र में 10 करोड़ 88 लाख रुपए इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधाओं में खर्चा करने का प्रस्ताव दिया गया था और ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया था। ये 10% किसी भी ऐसी वीआईपी सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा इन अलगाववादी नेताओं को दी जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अलगाववादी नेता होते कौन हैं? अलगाववादी नेता ये होते हैं जो खाते तो हमारे घर का है, मतलब कि हमारा ही नमक खाते हैं और हमारी ही थाली में छेद करते हैं, गाते हैं गाने पाकिस्तान के, हमारी सरकार से तो इन्हें फंडिंग मिलती ही मिलती है, ना जाने इस्लामाबाद से इनको पिछले दरवाजे से कितनी फंडिंग मिलती है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है और इसका हिसाब रखने वाला भी कोई नहीं है। ये बड़ी दुर्गति है हमारी सरकार की कि आज सरकार हमें ये बोल रही है कि हमें इनकी सुख सुविधाएं हटा देनी चाहिए। इससे पहले क्या ये सरकार सो रही थी? क्या इन्हें हमारे 40 शहीदों की कुर्बानी देने के बाद याद आया कि इनके साथ क्या करना चाहिए, इन अलगाववादी नेताओं के साथ क्या करना चाहिए, जो इनकी मांग ये है कि या तो हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दीजिए या फिर जम्मू एंड कश्मीर को एक पूरा का पूरा अलग से देश बना दीजिए। और आज के दौर में अगर उनकी दौलत देखी जाए तो 150 करोड़, जी हाँ आपने ठीक से सुना कि 150 करोड़ से ज्यादा की उनके पास चल अचल संपत्ति है। पूर्व में एक आतंकी गिरोह ने ये बात उजागर की है कि 2016 में जब ये आतंकी गिरोह पकड़ा गया तो उसने ये बात उजागर की है कि ये जितने भी अलगाववादी नेता हैं, ये सब के सब ज़मीनों में खर्चा करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदते हैं और ये ज़मीनें अपने नाम पे नहीं खरीदते हैं, ये ज़मीनें खरीदते हैं अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बेटों के नाम पे, यहाँ तक कि अपने घर के नौकर को भी नहीं छोड़ते हैं और उसके नाम पे भी ज़मीनें खरीद लेते हैं। अब मसलन मैं आपको एक नाम बताना चाहती हूँ, यासीन मलिक का आपने नाम सुना ही होगा। यासीन मलिक ने 2090 की बात है, वो एक रेड़ी चलाता था, एक रेड़ी चलाने वाले की आज की डेट में दौलत 2000 करोड़ से ज्यादा की है,
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 2000 करोड़ की बात की है। 2000 करोड़ से ज्यादा की इस आदमी की दौलत है। ये दौलत कहाँ से आई है? सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इसके नाना करते हुए भी 4 से 5 होटल हैं और वो होटल चल रहे हैं और उसका व्यापार कर रहा है, उसका बिजनेस कर रहा है। सिर्फ अलगाववादी नेताओं के नाम पे इनको अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है, भारत सरकार से भी और पाकिस्तान से भी। और यहाँ पे ये बैठ के मासूम कश्मीरियों को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और ये बोलते हैं ये हमारे देश के हैं, कि किसी के नहीं है, कि किसी के भी नहीं है। अब आप गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस को गले लगते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ। ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये वही क्राउन प्रिंस हैं जो अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान की यात्रा में थे और मर्सिडीज में इमरान खान उनको लेके घूम रहे थे और $20 मिलियन की फंडिंग करके आए हैं। क्या सऊदी के क्राउन प्रिंस को ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकवाद का अड्डा है और आतंकवाद के अड्डे को ये फंडिंग करके आए हैं और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री इनसे गले मिल रहे हैं? कितनी शर्म की बात है, ये कितना नंगापन लग रहा है मोदी सरकार का, ये कितना नंगापन लग रहा है हमारे देश का, हमारे देश की इस फोटो की वजह से, इस तस्वीर की वजह से रोज बेइज्जती हो रही है सारे सोशल मीडिया में, पूरे देश में, पूरे विदेश में। ये शर्म की बात है, हमें डूब मरना चाहिए। पुलवामा का जब आतंकी हमला हुआ, बहुत बहुत ही दुखद घटना थी। देश के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि समर्पित की। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स बता रही हूँ और इसमें से कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जो खूब घूमे जा रहे थे बॉलीवुड के सर्कल्स में और इनको यहीं के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आप नाम लेने की जरूरत नहीं है, तस्वीरों में दिख ही जाएंगे आपको और आपको पता भी होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। यही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनको प्रमोट कर रहे थे, इन एक्टर्स को। इन एक्टर्स में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि कम से कम एक कंडोलेंस मैसेज तो लिखते, कम से कम एक अच्छी बात तो लिखते। अली जफर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इतने दिन तक चुप रहा जब तक कल इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये बात बोली। अब एक घटिया संदेश देने की कोशिश की पूरे देश को और अपने देश को और पूरे विश्व को। एक घटिया बात बोलने के बाद वही अली जफर ट्वीट करता है, रीट्वीट करता है कि क्या बोला है हमारे प्रधानमंत्री ने, क्या बोला है हमारे प्रधानमंत्री ने। एक भी श्रद्धांजलि के शब्द अर्पित नहीं कर पाया एक भी पाकिस्तानी एक्टर। कहाँ है आज की तारीख में महेश भट्ट, कहाँ है आज की तारीख में करण जौहर, जो कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम तुम्हें इन तीन लोगों को तो कम से कम, और ऐसे ना जाने कितने नाम हैं, इन लोगों को कम से कम सीखना चाहिए कि कम से कम ये पाकिस्तानी एक्टर्स अपने देश के तो हैं, तुम तो अपने देश के भी नहीं हो, तुम वाकई इस देश में देशद्रोही हो, देशद्रोही। जी हाँ, मुझे ये बोलते हुए इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि ये वाकई इस देश में देशद्रोही हैं। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं खंगालता है, निचोड़ता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये शेयरिंग तो बनती है, क्योंकि हमारे देश के एक एक व्यक्ति को इस बारे में पता लगना चाहिए। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत माँ।